नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। आज हमारी टीम चिट्ठोड़ा गांव में पहुंच चुकी है। यहां चिट्ठोड़ा पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन जोशी द्वारा कई अवनया प्रयोग किया जा रहा है लोगों को समझाने के लिए कि इन लॉकडाउन में लोगों बिन जरूरी बाहर मत घूमिए, ये बहुत खतरनाक है, ये पूरे तरह से पूरे देश में फैल चुका है ये कोरोना वायरस। आप देख रहे हो यहाँ कई जगह हमने देखी, हमारी टीम जाकर कई जगह रास्ते भी जो पेंटिंग की है, कई जगह बैनर भी लगाया गया है, यह बीच सड़कों पे बहुत सारी बढ़िया पेंटिंग भी करके है, वो आपको कैमरे में दिखाई दे होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कितनी अच्छी तरह से, जो यहाँ के पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन जोशी साहब द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। आज यहाँ पेंटिंग भी की है, वो आपको तस्वीर में शायद दिखाई दे होगी, आगे भी हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। कोरोना वायरस को जंग जीतने के लिए चिट्ठोड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन जोशी साहब एवं पुलिस स्वयं मित्र राठौड़ तेजस कुमार को मिलकर उनके सहयोग से जंग कोरोना वायरस को जंग हासिल करने के लिए कई नए तरीके अपनाए गए हैं, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चिट्ठोड़ा गांव के जो पुलिस स्टेशन के हद में जितने भी छोटे बड़े गांव आते हैं, उन सभी गांव में जाकर उन्होंने कई छोटी बड़ी दुकानों पर पेंटिंग की गई है, तो कई जगह बड़े बड़े बैनर भी लगाया गया है पब्लिक को जानकारी देने के लिए। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोग को अच्छी तरह से समझाया भी जा रहा है, जो लोग उधर उधर सड़कों में घूमते हैं बिना वजह से उनको भी समझाया जाता है। और आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर है चिट्ठोड़ा गांव की, जहां बीच सड़कों पर बड़ा पेंटिंग किया गया है, वो तस्वीर आपको शायद दिखाई दे होगी कैमरे के अंदर। यहां कई बार ड्रोन से निगरानी भी रखी जाती है, यहाँ पुलिस भी तैनात है और कई बार ड्रोन की निगरानी भी रखा जाता है। कोई लोग उधर उधर बिना वजह से घूमते नहीं है, अगर उनको मालूम पड़ता है तो उनको पूछताछ भी की जाती है, अगर बिना वजह से वो घूमते हैं तो उनकी गाड़ी भी रिटर्न किया जाता है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ जनता को समझाती है बहुत अच्छी तरह से, हर दिन नए नए तरीके अपनाती है और उनका कार्य ऐसा है तो उनको कामगिरी देखते हुए सैल्यूट मारने का मन ही कर रहा है। यहाँ पुलिस स्वयंसेवक मित्र ये हमारे साथ खड़े हैं, हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये कई जगह हम जहाँ जब हम विजयनगर तहसील से यहाँ आने के दम निकले, रास्ते में हमें कई जगह दिखा कि पेंटिंग भी लगा हुई थी, बैनरों भी लगाया है, किस तरह से ये पुलिस जो विजयनगर चिट्ठोड़ा की पुलिस है उनका सहयोग से ये काम कर रहे हैं। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो किया है। सर जी, इसके आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस राठौड़ है। हमारे साथ तेजस राठौड़ जुड़ चुके हैं, जो पुलिस स्वयं सेवक है, हम उसको बात करेंगे कि सर ये जो आप कह रहे हैं पेंटिंग पुलिस सहयोग से, तो आपको क्या अपील करना चाहते हैं जो जनता? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोरोना को हराना चाहिए और उसके सामने जीत हासिल करनी चाहिए। मैं जनता को यही अपील कर रहा हूँ कि कोरोना से घर में रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना के सामने लड़े और कोरोना को हराए और हम जीतेंगे, कोरोना के सामने हम जीत जाएंगे। बस यही अपील है मेरी, हम जीत हासिल करें, बस यही अपील है। उसको बात करने से मालूम पड़ा उन लोगों को जो लोग जो इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से कई लोग उधर उधर घूमते हैं बिन जरूरी के लिए, उनके लिए समझाने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, हर जगह उसको पेंटिंग भी की है, आपको शायद कैमरे में दिखा दी होगी, हम आगे भी बताएंगे उनके साथ बात करने का, उसको ऐसा बढ़िया काम किया है। सबसे पहले हम HBN न्यूज चैनल वती से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विजयनगर से संवाददाता हर्षद कुमार की रिपोर्ट।